हेलो फ्रेंड, पनीर की रेसिपी तो आपने कई बार ट्राई किया होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही अलग यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। अमृतसरी पनीर की भुजी, जो कि अमृतसर के गलियों में पाया जाता है और जो इसका टेस्ट होता है ना, सेम टू सेम वही टेस्ट आने वाला है। लेकिन आपको इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैंने बताया है, तो लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैंने फूड लाइब्रेरी में बहुत ही रोचक जानकारी दी है। वेलकम टू रश्मि फूड स्टॉप। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पर जाके ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अमृतसरी पनीर भुजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है। पैन में मैंने यहाँ पे तेल नहीं डाला है। 2 बड़े चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन, और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है। कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, बस इसका थोड़ा हमें कच्चापन हटाना है। बेसन हमारा रोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच से कसूरी मेथी, और इन दोनों चीज़ को डाल के वापस हम 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए रोस्ट हो चुका है। अब इसे 1 कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में 1 बड़े चम्मच से सरसों तेल ऐड करेंगे, और तेल को गर्म होने का हम वेट करेंगे। तेल से जब धुआं आ जाए तब तक आपको गर्म करना है, उसके पहले आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो तेल यहाँ पे गर्म हो गया। अब यहाँ पे मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। सारा प्रोसेस अभी गैस बंद होने के बाद ही होगा। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 बड़े चम्मच से काश्मीरी लाल मिर्च। कलर के लिए है, थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे ताकि मिर्ची हमारा जले नहीं। और यहाँ पे देखिए आप, मैंने गैस को बंद कर रखा है। अब इसे हम 1 से 2 मिनट चलाते हैं, और तेल तो ऑलरेडी हमारा बहुत गर्म है ही। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी फ्रेश दही। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसे भी हम 1 से 2 मिनट चला लेते हैं, उसी तेल और मिर्ची में इसे हम पकाते हैं। तेल ऑलरेडी हमारा गर्म है, तो इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से आपको चलाइए इसे, और इसमें कोई क्लॉट नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दही और मिर्ची अच्छी तरह से तेल में मिक्स हो गया। अब इसमें हम धीरे धीरे करके जो बेसन हमने भुना था, बेसन और कसूरी मेथी, वो इसमें डाल देंगे, और डाल के इसे भी अच्छी तरह से हम चलाते हैं। बेसन डालने के बाद इसे ज़्यादा भूनना नहीं है। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच में है यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और 1/2 चम्मच इसमें जाएगा पाव भाजी मसाला, और 1/4 इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर। और सभी चीज़ डालने के बाद इसे हम चलाते हैं। पहले अभी चलाना है, गैस को यहाँ पे ऑन मैंने नहीं किया है। पहले सभी चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाले मिक्स हो गए हैं उस तेल में। अब यहाँ पे मैं इस स्टेज पे गैस को ऑन करूँगी। अब गैस को ऑन करने के बाद इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। तब तक फ्राई करते हैं जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट ना होने लग जाए। ऑयल हमारा यहाँ पे देखिए सेपरेट हो चुका। अब इसमें हम 1/2 ग्लास के करीब पानी डालेंगे, छोटे ग्लास से। बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं होता है इसका, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब पानी डालने के बाद इसमें उबाल आने का वेट करते हैं। तो ये ग्रेवी देखिए बन के तैयार है, उबाल आ चुका है, और कलर कितना अच्छा है। अब यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे एक पैन लेंगे। पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, और जैसे तेल गर्म हो जाए फिर इसमें हम घी ऐड करेंगे। घी के जगह आप बटर भी ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको घी नहीं डालना है तो इस स्टेज पे आप यहाँ पे बटर डाल दीजिए। और घी और तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 कटोरी यहाँ पे देखिए प्याज कटा हुआ है, और मैंने इस टाइप से काटा है, इसे लंबे लंबे शेप में, आपको स्क्वायर शेप में नहीं काटना है। और प्याज को हमें 1 से 2 मिनट हल्का भूनना है, थोड़ा इसे गलाना नहीं है। फिर अब इसमें हम ऐड करेंगे 2-3 हरी मिर्ची, इस तरह से लंबे शेप में आप काट लीजिए, और इसे भी हम चलाते हैं। अब इसमें जाएगा 2 बड़े साइज के टमाटर। टमाटर को मैंने इस साइज में देखिए काटा है, प्याज टमाटर लंबे ही शेप में मैंने काटा है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 बड़े चम्मच से नमक, और नमक डालने के बाद इसे हम चलाते हैं। नमक डालने से क्या होता है, कुकिंग प्रोसेस आपका फास्ट हो जाता है। पहले मैंने नमक ऐड नहीं किया था, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। टमाटर और प्याज को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ग्रेवी हमने तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे, और इसे हम पकाते हैं ताकि प्याज में ये जो ग्रेवी है अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए।
थोड़ा ऐड करेंगे यहाँ पे धनिया पत्ता, और धनिया पत्ता डालने के बाद इसमें मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम पनीर, और पनीर को इस तरह से चूरा बना लिया है, और इसमें हम डाल देंगे ये सारे पनीर को, और धीरे धीरे करके इसे हम चलाते हैं ताकि पनीर ग्रेवी ये अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करते हैं, और फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे 1 कटोरी दूध। बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है जो कि अमृतसर वाले अपने अमृतसरी पनीर में ये ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दूध डाला है और 1/2 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला डालनी हो। अब सभी चीज़ को डालने के बाद हमें इसे पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पनीर मसाले के साथ अच्छी तरह से पक गया है और ग्रेवी भी बहुत थिक हो गया। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और टमाटर डाल देंगे और थोड़ा सा पनीर को इस तरह से ग्रेट कर देंगे। इससे बहुत अच्छा देखने में भी लगता है और खाने में भी इसका एक अलग टेस्ट आता है। तो ऊपर से फिर हम धनिया पत्ता से गार्निश कर देते हैं। तो ये हमारा अमृतसरी पनीर भुजी बन के तैयार है। आप इसे कुलचे नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और इसका टेस्ट जो है अमृतसर के जो पनीर भुजी होते हैं ना, एकदम सेम टू सेम है। तो रेसिपी को ट्राई करिए, और अगर रेसिपी अच्छी लगी फ्रेंड तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अपने फैमिली मेम्बर में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस रेसिपी को शेयर करिए। अगर आप पनीर के बहुत शौकीन हैं तो मैंने पनीर से रिलेटेड और भी रेसिपी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां जाके चेक करिए और रेसिपी को ट्राई करिए। मिलते हैं फिर इसी तरह नई नई यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड।